मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद वे राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार से मिलने गए। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे सहित उनकी पार्टी के विधायक भी मौजूद थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं गर्म होने लगी। मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा कि अजीत के पास राज्य की तिजोरी है, इसीलिए उन्होंने अजीत को राज्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहा, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। दरअसल मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उद्धव ठाकरे विधान परिषद में आए थे। वो सदन में 40 से 45 मिनट तक थे, इसके बाद वे अजीत पवार से मिलने चले गए। आपको बता दें, एनसीपी पार्टी में हुए बिखराव के बाद उद्धव की अजीत पवार से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अजीत पवार के साथ काम किया है और उनकी कार्यशैली को जानते हैं। पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत उप मुख्यमंत्री थे। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि खजाने की चाबियां उनके पास है। फिलहाल तो राज्य में सत्ता की जो लूट खसोट चल रही है उसकी अपेक्षा राज्य के मुद्दे अहम है। बारिश शुरू हो गई है, राज्य में बाढ़ के हालात है, कई जगह पर बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, लेकिन सत्ता की लूट खसोट शुरू है। ऐसे में अपने किसान जो राज्य के नागरिक हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए। वहीं उद्धव ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने गठबंधन के नाम पर इंडिया पर भी मुहर लगाई, साथ ही बताया कि अगली बैठक जल्द ही महाराष्ट्र में होगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शिंदे वाली शिवसेना गुट की सरकार के साथ चले गए थे, जिसके बाद उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ भी दिला दी गई थी। अब अजीत पवार के पास डिप्टी सीएम पद के अलावा वित्त विभाग भी है, जो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण माना जाता है, और उद्धव ने इस मुलाकात के बाद वित्त विभाग पर ही उन्हें राय दी कि उनके पास खजाने की चाबी है, इसका सही इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।